तीन लड़कियों के संदिग्ध हालत के कारण उन्नाव एक बार फिर से सुर्खियों में है। इन तीन लड़कियों में दो की मौत हो चुकी है जबकि एक लड़की अस्पताल में मौत से जूझ रही है। तीनों लड़कियां जंगल में मिली, लड़कियों की मौत कैसे हुई, किसने उन्हें इस हालात में पहुंचाया, इसकी जांच जारी है। पुलिस की टीमें लगातार तफ्तीश में जुटी हैं, तो वहीं सीएम ने भी वारदात का संज्ञान लिया है। ये तस्वीरें खौफनाक हैं, दिल को दहला देने वाली है। बेटियों की लाश पर परिजन बिलख बिलख कर रो रहे हैं, पूछ रहे हैं उनकी बेटियों का क्या गुनाह था जो उन्हें मौत की सजा दी गई। जमीन पर पड़ी इन दो लड़कियों की लाशें और अस्पताल की दहलीज पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रही इस लड़की की बीती शाम तकदीर ही बदल गई। एक ही परिवार की तीन लड़कियों पर टूटा कहर, जंगल में घास लेने गई लड़कियों की मिली लाशें, संदिग्ध हालत में जंगल में मिली तीनों लड़कियां। उन्नाव की इन तस्वीरों ने सभी को झकझोर दिया। तीनों लड़कियां एक के ऊपर एक पड़ी हुई थी। हालात ऐसे थे कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लोगों ने आनन फानन में तीनों को अस्पताल पहुंचाया जिसमें दो लड़कियों को मृत घोषित कर दिया जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई और उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर किया गया। सोहा थाना क्षेत्र में पवरिया रखो, आज एक घटना प्रकाश में आई है। एक बच्ची जो जीवित अवस्था में थी यहाँ जिला अस्पताल लाया गया था। जिला अस्पताल में यहाँ के सभी चिकित्सा अधिकारियों ने उपचार किया है और उसके बेहतर इलाज के लिए सीएमएस ने हैलट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है ताकि बच्ची का समुचित इलाज हो सके। मामला उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र का है। यहाँ के बबरुआ गांव में रहने वाले एक ही परिवार की तीन लड़कियां बुधवार की दोपहर में जानवरों के लिए चारा लेने निकली थी, लेकिन जब देर शाम वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। परिजन तलाश करते करते उस जगह तक पहुंचे जहां तीनों संदिग्ध हालतों में एक के ऊपर एक पड़ी हुई थी। हमने पांच जब मुधेर हो गए तो हम कहा हमारी लड़की वे नहीं आई, और पांच बजे रोज आ जाती रहे तो हम कहा भाई हमारी लड़की नहीं आई, तो हमने हार ध्यान तो मैंने गोबर फेंके लागे, चारा पानी कर डारे लागे, चारा पानी दोपहर में लगा जाती रहा रोज सान के लिए, फिर हम डारे लागे। फिर जब तीन दिन मुझारे गए तो हम कहा हमारी बिटिया बे नहीं आई, तो साहेब हम दौड़े लागे, फिर दौड़ दौड़ के नहीं तन गए वैसी को पता नहीं लागी। फिर ऐसी वही दत्ते जहाँ भी तार वार सब बंधे सब कांटा लागे, वही फांदत फांदत फिर ऐसे या नरवा तन तो हमारा देवर गोहराई से बहुत सब तन ढूंढी गा रहा है नहीं मिली। कि कहला अरे पता नहीं कहाँ चली गई, मरदा इसका कहे से दादा कहाँ चली गई, तो कहला गा अरे हम पंचे फिर वैसे ही घूमे न जो देवी है ना फिर वैसे ही घूमे न तो फिर वैसे ही घूमे तो गोहरा इस कहला अरे यहाँ आओ देखो दो तीन ही परी हमें। लड़कियों के मुंह से निकल रहे थे झाग, जहर देकर लड़कियों को मारने की कोशिश, लड़कियों के साथ किसी अनहोनी की आशंका। हम यहाँ इस समय उसी खेत में खड़े हैं जहाँ बच्चियाँ गंभीर स्थिति में पाई गई थीं और पुलिस की एक टीम यहाँ पर छानबीन कर रही है। बहुत सारी चीजें अभी सामने आनी है, पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि बहुत सारी जांचें अभी, बहुत सारी बातों की जानकारी मिलना बाकी है, बहुत सारी रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहेंगे। ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर आना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, यहाँ पर किसी को लाना भी बहुत मुश्किल है, रास्ते नहीं हैं और हर तरफ झाड़ियां हैं, फसल उगी है पूरी, फिसलन इतनी है कि कोई भी पगडंडी पर भी नहीं चल सकता है। यहां पर पुलिस देख रही है कि बच्चियों के पड़े होने की जगह जहां पर वो पाई गई हैं वहां कोई और सबूत और साक्ष्य मिल जाए। परिजनों और ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। दो लड़कियों की लाशें मिलने और एक लड़की की गंभीर हालत में मिलने की जानकारी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। एसएसपी ने फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं जिनके आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। तीनों बेहोशी की हालत में थी जिसमें से दो को
ब्रॉड डेड डॉक्टर के द्वारा घोषित किया गया है और एक को हायर सेंटर रेफर किया गया है ट्रीटमेंट के लिए। इसमें अभी तक जो छानबीन और सब लोगों के प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान लिए गए हैं उसके आधार पे और जो डॉक्टर के ओपिनियन है उसके आधार पे कुछ घटनास्थल पे काफ़ी झाग पड़ा हुआ पाया गया है, तो प्राइमा फेसी पॉइजनिंग के भी कुछ सिम्टम्स हैं। पुलिस कह रही है मामला पॉइजनिंग का है, लेकिन सवाल है कि तीनों लड़कियों को जहर किसने दिया? अगर लड़कियों ने जहर खाया तो क्यों? तीनों लड़कियां एक के ऊपर एक कैसे पहुंची? लड़कियों की मौत के पीछे क्या है वजह? कौन तीनों लड़कियों को जान से मारना चाहता है? ये वो सवाल है जो घटनास्थल के हालात देखने वाले हर शख्स के जहन में कौंद रहे हैं। पुलिस के साथ ही अब सभी को उस लड़की के होश में आने का इंतजार है जिसके बयान से इस खौफनाक वारदात के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब हो सकेंगे और कत्ल की वजह सामने आ पाएगी। उन्नाव से आशीष के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा।